हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिक्वायरमेंट है वो सऊदी अरबिया का रिक्वायरमेंट है, और सऊदी अरबिया के अंदर क्या काम रहेगा वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरा समझ में आ जाए आपको अच्छी तरह से। मक्का मदीना के अंदर काम रहेगा आपका, सऊदी अरबिया मक्का मदीना के अंदर क्लीनिंग लेबर चाहिए, इंडोर क्लीनिंग लेबर, ठीक है? मक्का मदीना जो सिटी है, शहर के अंदर आपको कहीं पे भी काम मिल सकता है, कोई भी मस्जिद के अंदर, मदरसा के अंदर, किधर भी काम मिल सकता है। इंडोर क्लीनिंग करने का काम रहेगा, और इसका जो सैलरी है वो 900 सैलरी है, क्योंकि मस्जिद और मदरसा का जो सैलरी रहता है वो ज़्यादा सैलरी नहीं रहता है, 800-900 सैलरी रहता है। अभी मेरा बंदा गया है इसमें, उन लोग का भी सेम सैलरी है, 650 प्लस 250 सैलरी रहेगा उसमें, ठीक है? तो सैलरी इसमें बहुत कम रहता है, क्योंकि ऊपर की कमाई जो है उसमें टिप बहुत ज़्यादा मिलता है, और ऊपर की कमाई बहुत ज़्यादा है इसमें। तो सैलरी इसमें 900 है, और 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे के बाद अगर करेंगे तो उसका अलग से आपको पैसा मिलेगा, 2-3 घंटा ओवर टाइम करेंगे उसका अलग से पैसा मिलेगा। कोई कोई बंदा तो 8 घंटा इधर करता है, 8 घंटा फिर कहीं और करता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है। खैर, जो भी है वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि किस हिसाब से कमाना है, कैसे कमाना है, कैसे काम करना है, ठीक है? और काम जो है वो मस्जिद के अंदर का ही मिलेगा, मक्का मदीना किधर भी कोई भी मस्जिद के अंदर मिल सकता है। तो अभी वहाँ पे हज का टाइमिंग है, तो जहाँ तक होता है, जहाँ तक होगा, आपको मदीना के अंदर ही काम मिलेगा, ठीक है? जो हाजी लोग हैं वहाँ पे अभी बहुत तादाद में हाजी लोग जाते हैं हज करने के लिए, तो ज़्यादातर लोगों का जो भी काम लगेगा उधर, 2 महीने तक अभी काम उधर रहेगा, ठीक है? उसके बाद में किधर भी आपको काम मिल सकता है, कोई भी मस्जिद में, कोई भी मदरसे में, किधर भी काम मिल सकता है, ठीक है? और इसका जो एज लिमिट है, 21 से लेकर के 35 तक की बंदा चाहिए, 21 से लेकर के 35 के अंदर बंदा है तो बेहतर है, और 40 के अंदर ही रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है? लेकिन इसमें 35 लिखा हुआ है तो उतना बताना पड़ रहा है, ठीक है? अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड बाय कंपनी की तरफ से रहेगा, और इसमें जो खाना है वही 900 में ही खाना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो कैसा रहता है मक्का मदीना के अंदर, खाने का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? कंपनी खाना नहीं देती है, लेकिन खाना आपको इधर उधर से मिल जाता है, जो हाजी लोग रहते हैं और वहाँ के अरबी लोग जो रहते हैं, तो वो लोग खाना देके जाएगा आपको, खाने का कोई टेंशन ही नहीं है। बिरयानी है, जूस है, एप्पल है, और थम्स अप है, बहुत सारा चीज़ मिलता है एक दिन में खाने के लिए। खाने के लिए आपको इतना दिया जाएगा कि आपको खा नहीं पाओगे, बाद बहुत सारे लोग फेंक देते हैं खाना, ठीक है? तो खाने का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 900 सैलरी जो आपका बेसिक सैलरी है वो आपका मिलेगा, और ऊपर की कमाई जो भी हो, 1000 हो, 1500 हो, इतना होता ही होता है, 2000 तक भी बंदा ऊपर की कमाई कमाता है, ठीक है? तो मैक्सिमम कमाई इसके अंदर में कम से कम कमाई 30-40 हज़ार मंथली आपका बच जाएगा, ठीक है? ये बलदिया का काम है और बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है? कोई भी बंदा जाएगा इसमें तो अच्छा सैलरी उठाएगा, चाहे अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी बंदा इसमें जाएगा तो अच्छा सैलरी उठाएगा, ठीक है? तो कोई भाई अगर जाना चाहते हो तो बताइए, इसमें पासपोर्ट दोनों चलेगा, ACR ACNR दोनों पासपोर्ट चलेगा, और इसमें पढ़ा लिखा के नहीं हो भी हो तो भी चलेगा, बस काम आना चाहिए। उधर जाएंगे, साफ सफाई का काम मिलेगा और बहुत अच्छा काम मिलेगा आपको, आप आराम से कर सकते हो, और इसका जो सर्विस चार्ज भी है वो भी बहुत कम रहेगा, ठीक है? तो कुछ ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए रहेगा तो जो नंबर फ्लस हो रही है इसमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।